हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्रीवियस पीरियड में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हैलाइड स्टार्ट किया था, उसमें 8-10 एग्जांपल देखे थे। आज उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं और फिनिश करते हैं। सो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हैलाइड, आज जो हम स्पेशली एग्जांपल लेंगे वो बेंजीन रिंग के सब्स्टिट्यूट देखेंगे। हम बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर वाले अल्किल हैलाइड देखेंगे, जिसको हमने एरिल हैलाइड कहा था। सो पहले आपको ये समझना है पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे जो भी अटैच होता है, जो भी ग्रुप अटैच होता है, उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं और उसकी फिक्स पोजीशन डिसाइड होती है। तो पहले तो बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीन रिंग कंटेनिंग अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिस इज बेंजीन रिंग। नाउ टू दिस बेंजीन रिंग, इफ सपोज एनी ग्रुप इज अटैच हियर, दिस एट दिस कार्बन, सपोज हियर क्लोरीन इज अटैच, then this carbon is carbon number 1। जहां पे भी कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन नंबर 1 होता है, और उसको फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग इज डन, सो दैट अ फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोवेस्ट नंबर। हमें ये रूल फॉलो करना है कि आप ऐसे नंबरिंग करो कि फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए बेंजीन रिंग में, आप सर्कल भी बता सकते हैं ऐसे, डबल बॉन्ड भी और सर्कल भी, और अगर यहां क्लोरीन अटैच है तो ये रहेगा कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो वेरेवर, जहां पे भी, वेरेवर, कहीं पे भी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो वो कार्बन नंबर 1 कंसीडर किया जाता है, और 2, 3, 4 फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या फिर 2, 3, 4 जो रहेगा वो लोवेस्ट नंबर देखने का। जैसे फिर से ये सपोज क्लोरीन यहां है और इसके बाद में यहां पे एक ब्रोमीन अटैच, अब नंबरिंग कैसे करेंगे? सो नंबरिंग क्या करेंगे, आप पहले क्लोरीन को प्रिफरेंस देंगे आप, या ब्रोमीन की जगह समझो यहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, ओएच ग्रुप, तो क्लोरीन को नंबर 1 प्रिफरेंस देंगे आप। अब नंबर 2, 3, 4 किधर रोटेट करना है आपको, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको वो रूल याद रखना है कि नंबरिंग इज डन सो दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट नंबर। आपको अब यहां से जो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट, इसको लोवेस्ट नंबर देना है आपको। तो अगर आप ऐसे जाते हैं 1, 2, 3, 4 नंबर आता है, लेकिन अगर आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पे इसको थर्ड नंबर आ रहा है जो कि छोटा नंबर है, इसलिए ये नंबरिंग राइट है एंटी क्लॉकवाइज। तो नंबरिंग करने का रूल होता है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। नेक्स्ट, अब इसमें देखो ये हो गया, डिसाइड हो गया कार्बन नंबर 1 क्लोरीन यहां अटैच है। अब कार्बन नंबर 2 जो है, दिस कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 6, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑर्थो पोजीशन। इसको एक नाम दिया गया ऑर्थो पोजीशन। अभी नंबरिंग नहीं है, नंबरिंग की जगह एक वर्ड आया ऑर्थो। जैसे हम कॉमन नेम में नंबरिंग की जगह एन आइसो नियो यूज करते हैं सेकेंडरी टर्शियरी, वैसे यहां पे कॉमन नेम में इसको ऑर्थो पोजीशन कहेंगे, ये 6, 2 एंड 6। कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 इज कॉल्ड एज मेटा पोजीशन। इसको मेटा पोजीशन कहते हैं, इसकी जगह एम लिखते हैं, स्मॉल एम, मेटा पोजीशन। एंड कार्बन नंबर 4 जो कि एक ही पोजीशन है, इट इज पैरा पोजीशन। कार्बन नंबर 4 को पैरा पोजीशन एक ही होती है जो फोर्थ नंबर की होती है, इसको पी लिखते हैं, स्मॉल पी, स्मॉल ओ, स्मॉल एम, स्मॉल पी। ओ स्टैंड फॉर ऑर्थो, एम स्टैंड फॉर मेटा, पी स्टैंड फॉर पैरा। ऐसे याद कर लेने का कि ऑर्थो पोजीशन जो होती है वो पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 6। अगर कोई ग्रुप पोजीशन नंबर 2 और 6 पे अटैच होता है तो उसको ऑर्थो कहते हैं। वही अगर मेटा पोजीशन कहना है तो पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 5, इसको मेटा पोजीशन कहते हैं। और जो फोर्थ पोजीशन होती है, एक ही होती है जो फोर्थ पोजीशन, इट इज पैरा पोजीशन, दैट्स पोजीशन नंबर 4। सो बेंजीन रिंग में ऑर्थो, मेटा, पैरा, तीन पोजीशन होती है जो नंबरिंग की जगह हम यूज करते हैं, और वो पोजीशन जैसे आपको बता रहे, इसको याद कर लो आप, जहां से भी कार्बन नंबर 1 रहेगा उसको आपको कार्बन नंबर 2 और 6 जो रहेगा वो ऑर्थो रहेगा, 3 और 5 जो रहेगा मेटा, और 4 जो रहेगा पैरा। अब इसको यूज कैसे करना, एक ना आप एग्जाम्पल देख लो, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल करना है। सो सपोज दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज बेंजीन, एंड सपोज हियर इज क्लोरीन, और एक क्लोरीन और लगा दो यहां पे, दो क्लोरीन लग गए। पहले इसका नाम देखो फिर पोजीशन देखेंगे हम। तो दो क्लोरीन हो गए, इसे बोलेंगे हम डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, और ये बेंजीन रिंग है तो डाइक्लोरो बेंजीन इसका नाम हो गया। अब डाइक्लोरो में ये क्लोरीन तो फिक्स हो गया कार्बन नंबर 1, इसको कुछ नहीं बोलना है।
अब दूसरा क्लोरीन जो है इसकी पोजीशन क्या है वो देखना है, ये ऑर्थो है, मेटा है कि पैरा है। सो ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, 3 है तो वो हो जाएगा मेटा। इसके सामने लिख देंगे आप मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, एक ही बार मेटा लिखना है क्योंकि ये पोजीशन मेटा पोजीशन है और ये पोजीशन कार्बन नंबर 1 है, इसको कुछ नहीं लिखना है, 1 को कुछ नहीं लिखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 तो 3 आ रहा तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग अगर आता है तो ऑर्थो मेटा पैरा लिखना होता है। ओके, ये बहुत बेसिक पॉइंट है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग बेंजीन रिंग। अब देखते हैं इसके बेस पर हम कल जो नॉमेनक्लेचर स्टडी कर रहे थे उसको आगे करते हैं। आई थिंक कल हमने 9, 8, 9 एग्जाम्पल देखा था, आई थिंक 8 or 9, सो लेट इट बी 9 नंबर का एग्जाम्पल कल था। इट इज आएगा CH2 double bond CHCl, CH2 CHCl, इसका कॉमन नेम रहेगा विनिल क्लोराइड। 1, 2 कार्बन डबल बॉन्ड को विनिल कहते हैं, और IUPAC नेम दिस इज क्लोरो एंड 2 कार्बन इथेन, सो नेम बिकम क्लोरोइथीन, नॉट इथेन सिंस इट कंटेन डबल बॉन्ड, सो IUPAC नेम इज क्लोरोइथीन कहेंगे इसको। नंबर 10 CH2 अगेन सेम डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br। नाउ इसे हमने विनिल कहा CH2Cl को, और CH2CHCH2 को इसे हम कहेंगे एलिल, और Br है तो ब्रोमाइड, सो इट इज एलिल ब्रोमाइड। और अब IUPAC में नंबरिंग करना है, जहां 3 कार्बन आ जाते हैं वहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाता है। This is कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। सो नो, कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमीन अटैच है, सो इट इज 1 ब्रोमो। 1 नंबर पे ब्रोमो, टोटल 3 कार्बन है, 1, 2, 3, इस सब लिखेंगे प्रॉप। और ये डबल बॉन्ड जो है ईन, वो कार्बन नंबर 2 को अटैच है, डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 को अटैच है, तो प्रॉप टू ईन, इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रॉप 2 ईन, सो दिस इज एलिल ब्रोमाइड। अब आप टेक्स्टबुक में देखेंगे, कल जो हमने आपको चार्ट भेजा था उसके एग्जांपल देखेंगे, एलिल ब्रोमाइड, विनिल ब्रोमाइड। अब एक और है, दैट इज दिस नंबर 11 CH CCl एंड सपोज Cl ट्रिपल बॉन्ड वाला आ गया, इसका कॉमन नेम क्या बताया था, दिस इज क्लोरोएसिटिलीन, ये एसिटिलीन है, क्लोरोएसिटिलीन, ये हेलो अल्काइन है क्लासिफिकेशन में, क्लोरोएसिटिलीन, और IUPAC नेम में वही क्लोरो रहेगा, क्लोरो, और 2 कार्बन है इसे बोलेंगे इथाइन, क्लोरोइथाइन, जस्ट लाइक दिस क्लोरोइथीन, दिस इज क्लोरोइथाइन। सो ये हो गए अल्किल हैलाइड और या फिर हेलो अरीन या फिर हेलो अल्काइन भी हो गए। अब हम लेते हैं बेंजीन रिंग के एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नंबर 12 जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो एग्जाम्पल देखते हैं। तो दिस इज बेंजीन एंड ऑन दिस बेंजीन दिस CH2I इज अटैच, फर्स्ट वी हैव टू राइट इट्स कॉमन नेम एंड देन IUPAC नेम। कॉमन नेम क्या रहेगा, एक ही ग्रुप की पहचान कर लो, एक रफ में अभी मार्जिन के ऊपर ये लिख लो आप, दिस इज सपोज दिस इज 1 ग्रुप, ये ग्रुप है एंड दिस इज अनदर ग्रुप, इन दोनों का नाम क्या है। सो बेंजीन रिंग होती है तो उसको ग्रुप को कहते हैं फिनिल कहते हैं, बेंजीन को बेंजिल नहीं कहते, बेंजीन को फिनिल कहते हैं, और जो बेंजीन को अगर CH2 अटैच है तब इसे कहते हैं बेंजिल। ये 2 ग्रुप याद कर ले आप, एक फिनिल और एक बेंजिल, फिनिल का मतलब होता है बेंजीन रिंग ओनली बेंजिल, अगर इसको क्लोरीन लगा दिए इसका नाम हो जाएगा फिनिल क्लोराइड, इसको क्लोरीन लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड, गॉट इट, फिनिल एंड बेंजिल। सो यहर इट इज सी बेंजीन रिंग एंड CH2 आ गया तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल, और आयोडीन है तो आयोडाइड, बेंजिल आयोडाइड, ये कॉमन नेम। अब IUPAC नेम अच्छी तरह देखो, IUPAC नेम का रूल होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कभी बेंजीन रिंग नहीं आती है, क्लोज चेन कभी लॉन्गेस्ट कार्बन नहीं रहेगा, जैसे आप सोचेंगे कि कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्बन है लॉन्गेस्ट, नहीं वो कभी नहीं होंगे, वो सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा,
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में एक ही कार्बन आ रहा है CH2, ये हो गया मीथेन। आयोडीन है इसे बोलेंगे हम आयोडो, आयोडीन है तो आयोडो। ये बेंजीन रिंग है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेंजीन रिंग को कहते हैं फिनिल, आयोडो फिनिल, और CH2 में एक कार्बन है, एक कार्बन है तो उसे कहेंगे हम मीथेन, इसका नाम हो जाएगा आयोडो फिनिल मीथेन, दैट इज बेंजील आयोडाइड। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 13, अगेन दिस इज बेंजीन रिंग एंड टू दिस बेंजीन रिंग हियर इट इज आयोडीन अटैच एंड हियर इट इज CH3 मिथिल इज अटैच। फर्स्ट इट्स कॉमन नेम, पहले इसका कॉमन नेम देख लेते क्या है, और एक और स्ट्रक्चर पहले ये सीख लो आप, ये भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप। बेंजीन रिंग में अगर मिथिल ग्रुप अटैच होता है इसका स्पेशल नेम है, बेंजीन रिंग में अगर मिथिल अटैच होता है, वैसे इसका नाम रहेगा मिथिल बेंजीन, मिथिल बेंजीन, लेकिन इसका स्पेशल नेम है इट इज कॉल्ड एज टोलू, टोलुइन, इसे कहते हैं टोलुइन। व्हाट इज टोलुइन? मिथिल बेंजीन, बेंजीन में अगर मिथिल अटैच हो गया तो उसे कहेंगे हम टोलुइन। तो यह है टोलुइन, बेंजीन में मिथिल और उसमें आयोडीन अटैच है, इसको बोलेंगे आयोडो टोलुइन, इसका कॉमन नेम हो गया आयोडो टोलुइन। मिथिल बेंजीन को टोलुइन कहते हैं और आयोडीन अटैच है, आयोडो टोलुइन। अब यहां पोजीशन देख लो कि आयोडीन कहां अटैच है, अल्फा आयोडीन ऑर्थो है, मेटा है कि पैरा है, वो आपको कंपेयर करना है इससे। ये टोलुइन है, टोलुइन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, आयोडीन 4 नंबर को अटैच है, तो 4 को अभी सिखाया था आपको कि 4 को हम कहते हैं पैरा, कहते हैं पैरा, इसका नाम आएगा पैरा आयोडो टोलुइन। पैरा पोजीशन है जो आयोडीन की बताई, तो आयोडीन 4 नंबर पर अटैच है, पैरा आयोडो टोलुइन। अब IUPAC ने नंबरिंग कर रहे हैं जैसे दिख रहा है आपको, तो पहले तो ये बेंजीन है, बेंजीन इसमें मिथिल अटैच है कार्बन नंबर 1 पे और आयोडीन अटैच है कार्बन नंबर 4 पे, आप चाहे तो इसको टोलुइन भी कह सकते हैं या फिर इसको हम IUPAC में अलग अलग ग्रुप बताएंगे। अब IUPAC में नंबरिंग करते हैं हम फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट साइड, अब सब्स्टिट्यूएंट 2 हो गए, एक आयोडीन और एक मिथिल, अब नंबरिंग किसको फर्स्ट करेंगे हम, आयोडीन को करेंगे, हेलोरिन से, हेलोरिन में आयोडीन नंबर 1 रहेगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सो आयोडीन नंबर 1 है इट इज 1 आयोडो, 1 आयोडो, 4 नंबर पे मिथिल है सो इट इज 4 मिथिल, 1 नंबर पे आयोडीन, 4 नंबर पे मिथिल और बेसिक नाम है इसका बेंजीन, 1 आयोडो 4 मिथिल बेंजीन। इन दिस वे आपको पैरा बताना है, पैरा ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये एग्जांपल्स है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हैलाइड। अब हम टेबल क्लोज कर दीजिए आप नोमेनक्लेचर का, अब हम आपके टेक्स्ट बुक में जो 2-3 टाइप के क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आप देखिए पेज नंबर 212 इन द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 212 इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, इनके IUPAC नेम लिखना है, पहले दो तो बहुत ईजी है वो आप मुझको करके बताएंगे। स्ट्रक्चर नंबर 3 देखेंगे हम, पेज नंबर 212 स्ट्रक्चर नंबर 3, ये आप सब मुझको लिख के बताएंगे बाद में। सो स्ट्रक्चर इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इसका IUPAC नेम बोले, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं इसका IUPAC नेम। अब IUPAC नेम के लिए सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है, और नंबरिंग कौन सी साइड से करना है, फंक्शनल ग्रुप के साइड से, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, क्लोरीन, सो नंबरिंग फ्रॉम हियर, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब इसके हिसाब से देखो, 1 नंबर पे क्लोरीन है तो इसका नाम रहेगा 1-chloro, टोटल कार्बन 1, 2, 3, 4, टोटल 4 कार्बन है सो इट इज ब्यूट, बट और ब्यूट, और 2nd नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2-ene, ये इसका IUPAC नेम, 1-chloro ब्यूट 2-ene, गॉट इट। उसमें ही एग्जांपल नंबर 4th देख लेते हैं हम, 6 सॉरी एग्जांपल नंबर 6, दिस इज बेंजीन एंड टू दिस बेंजीन ब्रोमीन इज अटैच, Br, अगर एक ब्रोमीन अटैच होता है तो इसका नाम क्या है, ब्रोमो बेंजीन, और एक की कोई पोजीशन नहीं होती, ऑर्थो मेटा पैरा कुछ नहीं, इसको ब्रोमो बेंजीन कहना है। लेकिन अगर दो ब्रोमीन अटैच है
तब आपको पोजीशन लिखना है, वो ऑर्थो है, मेटा है कि पैरा है। ऑपोजिट वाली जो आती है वो पैरा होती है, पैरा ब्रोमीन है, दो ब्रोमीन है, सो इट इज पैरा डायब्रोमो और बेंजीन, पैरा डायब्रोमो बेंजीन, ये इसका कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी नेम 1, 2, 3, 4, तो डायब्रोमो तो वैसी नाम रहेगा, डायब्रोमो और बेंजीन भी रहेगा, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम सेम रहेगा। अब ये डायब्रोमो में ब्रोमीन कहां अटैच है, एक ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 को अटैच है, एक ब्रोमीन कार्बन नंबर 4 को अटैच है, आईयूपीएसी में 1, 4 डायब्रोमो बेंजीन, या यूपीएसी में 1, 4 डायब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह आपको एरिल हलाइड बेंजीन रिंग वाले एरिल हलाइड का यूपीएसी नेम लिखना है। सो ये क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 212 वो सॉल्व करके रजिस्टर में लिखिए, मुझको बताइए, उसकी फोटो भेजिए। उसी तरह एक देखिए आप पेज नंबर 232, पेज नंबर 232 वो भी होमवर्क है, उसमें भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इट्स क्वेश्चन पेज नंबर 232 पे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, राइट आई यूपीएससी नेम ऑफ, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए, मुझको रजिस्टर में लिख के इसके आंसर बताइए। ये नॉमेनक्लेचर फिनिश होता है, कल इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके, फॉर द टाइम बीइंग गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।